हजारों की आप गिणती नहीं करते, आप लखों की गिणती कर सकते हैं भी लखां ही वहीकल सारा दिन इतों लंघते हैं। रोस जिहड़ा हैगा इत्थे जताया जा रहा है, वीरां दे वल्लों दिखाया जा रहा है। शहरी वर्गा तुसीं देख सकते हो चंडीगढ़ च मोस्टली 90% लोगों का रिस्पोंस बहुत वधिया रिस्पोंस है जी, वो सारे किसानों के हक च ने। वैसे अंदरों तो सरकार टुट चुकी है, तो कोई शक नहीं, सबनों पता है। हुण पंजाब तुसीं देख ही सकते हो जिन्ने बीजेपी लीडर सीनियर लीडर सारे हुण बीजेपी नूं छड्डदे जा रहे हैं, जिहड़े दो चार हैगे हैं वो भी पता नहीं किस मजबूरी में फसे हुए हैं। लेकिन अंदरों ये तो है भी खोखली हो चुकी है सरकार, ये बिल तो उन्होंने वापस लेने ही पैने, अज ले लवे चाहे साल बाद ले लवे। पंजाब के लोगों का बिच बिच ये भी कहना है, सोशल मीडिया से भी पाया जा रहा है भी किसान जथेबंदियों अपनी पार्टी बना के जिहड़ा चोण लड़नी चाहिए 2022 दे विच। मेरी निजी राय है भी हाँ उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने इलेक्शन लड़नी चाहिए, क्योंकि जदों तक साडे हाथ पावर नहीं आऊगी जी उदों तक सानू प्रॉब्लम आनी आनी है। रास्ता बिल्कुल नहीं है सर, सगो सानू चौंक पर खड़ने करके इतों सारे गड्डियां रिस्पोंस पूरा दे रहे हैं, इतों भी पता लगता भी हाँ लोग साडे नाल हैं। ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पहला जदों असीं इह स्टार्ट कीता सी असीं सिर्फ 4 मैंबर सी, तो हुण असीं घट्टो घट 40-50 मैंबर हो गए हैं, तो कंटिन्यू कोई आ गया कोई चले गया। तो 43 IS BT के बिल्कुल सामने है पिंड, तो UT च पैंदा है, तो असीं तकरीबन 20 जनवरी तो कंटिन्यू इत्थे आ रहे हैं जी। इस 20 तरीक नूं साडे पूरे 6 महीने हो जाने जी। किसानी संघर्ष नूं लैके बड़े ही लंबे समय तो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, प्रदर्शन करन दा आपो अपना ढंग है, चाहे प्रदर्शन वाडरां दे उपर होवे, चाहे पंजाब दी धरती दे उपर होवे, चाहे भारत दे किसी भी खिते दे विच प्रदर्शन होवे, खासकर नौजवान ने जिहड़े उन्हां दी भूमिका उन्हां दा रोल अहम रहा है। सामने तुहानूं तस्वीरां दिखाउंदे आ, चंडीगढ़ दे इक चौंक दे विच खड़े आ जिथे रोज़ाना ही नौजवान इकट्ठे होंदे ने, कुछ बजुर्ग इकट्ठे होंदे ने अते किसानी हक्कां दी गल करदे ने। आले दुआले लंघदे होए वहीकल भी तुसीं देख सकते हो जिन्हां नूं दसण दे लई भी किसानी जिहड़े मसले ने उह अहम मसले ने साडे दे लई, इंज कह सकते हां भी शहरी वर्ग नूं जगाउण दे लई, क्योंकि शहरी वर्ग दा जिहड़ा योगदान है वह बिल्कुल किसानी संघर्ष दे विच रहा है पर बहुत घट रहा है। उन्हां नूं जगाउण दे लई अते चंडीगढ़ दे इस चौंक दे विच खड़ के, क्योंकि तुसीं देख सकते हो बहुत सारिया बसा भी निकलदियां ने आवाजाई दे साधन ने, यह चौंक है जिथे रोपड़ नूं बसा जांदियां ने, लुधियाणे नूं बसा जांदियां ने, नंगल नूं बसा जांदियां ने, पंजाब दे बस-बख खित्तियां दे विच इत्थों होके बसा गुजरदियां ने, लोकां नूं दसण दे लई दिखाउण दे लई भी किसानी जिहड़े मसले ने उह अहम मसले ने। नौजवान इत्थे आ के खड़दे ने, आपां इहनां दे नाल गल्लबात करदे हां। वीर जी सति श्री अकाल जी। वीर जी कि जगह तो आते हो तुम इतने जरा प्रदर्शन कर रहे हो? असी साडा एक कजहेड़ी पिंड है जी सामने, ये चंडीगढ़ च पैंदा जी, तो चंडीगढ़ का तकरीबन इस साइड पंजाब साइड जाइए अपना लास्ट पिंड पैंदा, तो 43 IS BT के बिल्कुल सामने है पिंड, तो UT च पैंदा है, तो मैं भी खुद जॉब करना वैसे, तो असी तकरीबन 20 जनवरी तो कंटिन्यू इतने आ रहे हैं जी। इस 20 तरीक में साढ़े पूरे 6 महीने हो जाने जी बिना नागा पाए, असं कंटिन्यू आ रहे हैं, तो टाइम टू असं दिल्ली भी जाने जी। जी जी, पिंड का किन्ना सहयोग मिलता है? पिंड का सहयोग है, पिंड वाले आने साडे जी। हाँ जी, ये आइडिया मन दे विच किवें आया भी उस चौंक दे विच खड़ के प्रदर्शन किया जाए? ये एक्चुअली जिवें चंडीगढ़ का मेन ISBT है, ये इत्थे तकरीबन हर स्टेट तो हर जिले तो मतलब लोग आने हैं, लोग आना जाने इतों सारे बसा चलते, कोई पंजाब नूं राजस्थान मतलब अलग अलग स्टेटा नूं इतों बसा जानियां, तो ये करके काफ़ी उन्हां नूं मैसेज मिलता है लोगों, असीं इस करके चौंक सिलेक्ट किया, एक तो सानूं इत्थे नेड़े पैंदा है, बाकी बस स्टैंड होने करके हर तरह के लोग इतने आने, हरेक स्टेट के लोग आने, उन्होंने असं मैसेज दें फिर भी ये मिलता लोगों जी। आप शहरी वर्ग की गल करिए, शहरी वर्ग तुम देख सकते हो चंडीगढ़ च मोस्टली 90% लोगों का रिस्पोंस बहुत वधिया रिस्पोंस है जी, वो सारे किसानों के हक च ने, तो किसी भी तुम चौंक देख सकते हो हरेक चौंक पर तकरीबन थोनू किसानों के हक च खड़े दिखणगे लोग जिन्हें भी है। जिवें लंबा समा हो गया है प्रोग्राम भी दिते जा रहे हैं, जिवें 22 जुलाई का जिहड़ा प्रोग्राम संसद वल कूच का दिता गया है, उस चीज़ बारे की कहना चाहते हो? देखो जी, असी वैसे उन्होंने किसान जिहड़े किसान लीडर साढ़े वो अगे सानू जो भी मतलब
प्रोग्राम लिखते हैं असं उन्होंने फॉलो करते हैं। हूँ चलो 22 जुलाई का उन्हें जो लिखा उन्होंने फिलहाल यही कहा भी असं 200 बंदा जाया करूँगा डेली वो अकॉर्डिंग वो तो बाद फिर देखते हैं जिमें भी वो लिखणगे उमें असं फॉलो करते हैं तो हूँ तक भी करते हैं जिमें जिमें उन्होंने सानू दस्या। जिमें तुसीं कहा भी वधिया जिहड़ा हैगा रिस्पोंस हैगा शहरी वर्ग जिहड़ा इलाका हैगा तुहाडे पिंड वल्लों किन्ना क रिस्पोंस है? पिंड वल्लों भी साडे पूरा रिस्पोंस है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी पिंड वल्लों। असीं टाइम टू टाइम जिमें हुण पिछे जी असीं दिल्ली बॉर्डर से भी समान देके आए, जिन्ना भी शरदा किसी की होंगी असं देके आने इकट्ठा करके जिन्ना भी पुगता मतलब जी। हाँ जी, पिंड वालों पूरा रिस्पोंस है जी। सानूं जिवें समा काफ़ी ज़्यादा हो गया, लगभग एक साल की जे आप गल करिए तो एक साल तो संघर्ष शुरू हुए नूं लौंग टाइम हो गया, काफ़ी समा हो गया, सरकार भी चुप बैठी है, बिलों पर कोई डिस्कशन भी नहीं की जा रही, किसानों बुलाया भी नहीं जा रहा है ना, ये सारी चीज़ में तुसीं किवें देखते हो? देखो जी वैसे थोड़ा किसान जथेबंदियों थोड़ा जहा एडवांस तो हूँ होना पैना, वैसे तो हूँ उन्होंने मैं कल ही अज ही टकैत की सुन के आया थी, टकैत ने हूँ उन्होंने मतलब 5 सितंबर का टाइम दिता है भी नहीं असी जिमें यूपी इलैक्शन आ रहे हैं उत्थे भी इन्होंने फिर इंटरफेरेंस करनी है, मतलब बीजेपी के खिलाफ प्रचार करना है भी वोट तुम जिन्हों मर्जी पाओ। वैसे अंदरों तो सरकार टुट चुकी है तो कोई शक नहीं है, सबनों पता है, हम पंजाब तुम देख ही सकते हो जिन्ने बीजेपी लीडर सीनियर लीडर सारे हूँ बीजेपी छड़ते जा रहे हैं, जोड़े दो चार है वो भी पता नहीं किस मजबूरी में फसे हुए हैं, लेकिन अंदरों ये तो है भी खोखली हो चुकी है सरकार, ये बिल तो उन्होंने वापस लेने ही पैने, अज ले लवे चाहे साल बाद ले लवे, क्योंकि किसान तो उत्थों उठन तो रहे जी, उन्होंने लगता भी उत्थे डटे रहेंगे। बिल्कुल डटे रहेंगे जी, असं हूँ पिछले लेटेस्ट जाके आए हैं, किसानों ने पक्के मोर्चे कट ले जी, वो कहें सानू कोई परवाह नहीं चाहे 24 तक बैठना पै जाए, पर मैनू उम्मीद है शायद ये यूपी इलैक्शन तो पहला कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा। जे आप राजनीति की गल करते हैं तो पंजाब के लोगों का बिच बिच यह भी कहना हैगा, सोशल मीडिया से भी पाया जा रहा है भी किसान जथेबंदियों अपनी पार्टी बना के जिहड़ा चोण लड़नी चाहिए 2022 दे विच। देखो जी ये मतलब हर किसी की अपनी निजी राय होंगी, मेरी निजी राय है भी हाँ उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने इलैक्शन लड़नी चाहिए, क्योंकि जदों तक साढ़े हाथ पावर नहीं आऊगी जी उदों तक सानू प्रॉब्लम आनी आनी है, बाकी हर किसी अलग अलग राय हो सकती, किसी की राय होगी भी इन्हों राजनीति नहीं आ रही, लेकिन मेरी खुद की राय मेरी निजी राय है कि किसी मतलब पार्टी नहीं कि किसान जथेबंदी राय नहीं हैगी, मेरी राय है कि उन्होंने पॉलिटिक्स आना चाहिए जी। जिवें हुण पंजाब दे विच झोना लग चुकिया हैगा, किसान जिहड़े ने हुण फ्री ने, हुण उम्मीद हैगी आ भी दिल्ली दीआं बरूहां ते दुबारा फिर जाके बैठणगे? हाँ जी हाँ बिल्कुल, तकरीबन जत्थे जा रहे हैं जी, क्योंकि जो डेली जा रहे हैं लोग मतलब सवेरे जाने शाम नूं वह तो कट बहुत वध गया जाके आए असीं, वो कट दिन पर दिन वध रहा है, हुण 5-10 दिन तक लोगों ने फ्री हो जाना जी, झोने तकरीबन लग ही चुकिया, उस तो बाद दोबारा सेम उही रौनक होनी है जिवें पहला सी, कट पूरा वधेगा जी। जिवें 26 जनवरी की गल करते हैं, 26 जनवरी की जिहड़ी कॉल दी गई सी उहते बहुत ज़्यादा कट होया पंजाब तो, लगता है भी 22 जिहड़ी तरीक आ रही है 22 जुलाई नूं जिहड़ी कॉल दी गई है संसद वल कूच दी, भी खासकर जे नौजवानों की गल करिए नौजवान भी जिहड़े आ उह अपना फर्ज निभाउण लई पहुँचणगे? उन्होंने हाँ वैसे संसद कूच दी तां दित्ती है, लेकिन उन्हें यह भी इनफॉर्मेशन दित्ती है भी बी असीं 200 बंदे जाया करनगे डेली, हाँ ये है भी हाँ उत्थे कट जरूर वधेगा, कट वधन की पूरी संभावना है जी। हाँ जी नौजवान वर्ग जाएगा उदों तक इन्होंने फ्री भी हो जाना, 5-4 दिन का कम रह गया झोने का तो कट जरूर वधेगा जी। जी जी हाँ जी, जिवें सर्दियों की आप गल करते हैं सर्दियों के मतावान बहुत सारिया गई ने, खासकर भैं बहुत सारिया रौनक सर्दियों बहुत लगिया रही, इंज नहीं महसूस करते भी हाँ सर्दियों के रौनक कुछ ज़्यादा होगी गर्मी कारण जिहड़ियां मावां भैं नहीं जा सकदियां? नहीं गर्मी का खैर देखो इफेक्ट हैगा है, कोई शक नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत है, साढ़े किसान वीरां दा बहुत धन्यवाद है जिहड़े बेचारे डटे हुए ने उत्थे, क्योंकि गर्मी वाकई बहुत है जी उत्थे, थोड़ी प्रॉब्लम तो होंदी है फिर भी साडी मातावां साडियां भैणां ते साडे किसान वीर उत्थे डटे हुए ने, थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा तो झोना भी वेले हो जाना फिर सेम उमें ही रौनकां लगनियां जिवें सर्दियों दे रौनकां सीगियां जी लगनगियां। बिल्कुल हाँ जी, होर वीर भी साडे नाल ने इन्हां नाल भी गलबात करांगे, तुहानूं दृश्य दिखा दिंदे आ, हज़ारां दी आपां गिणती नहीं करदे आपां लखां दी गिणती कर सकदे आ भी लखां ही वहीकल सारा दिन इत्थों लंघदे ने, रोस जिहड़ा हैगा इत्थे जताया जा रहा वीरां दे वल्लों दिखाया जा रहा है, वीरे किन्ने टाइम खड़दे हो तुसीं इत्थे? सर सानू वैसे तो 20 जनवरी तो खड़े हैं कॉन्टीन्यू शामी मतलब कि 5 बजे तो लेके 6:45 बजे तक डेली खड़दे खड़ते हैं, तो एक साडा मेन कमांडर हैगा मनी सिंह वो सवेरे भी उन्हें कल्ले ने खड़ना मुंडे ने, उन्हें भी सवेरे अपना 9 बजे तो लेके 11 बजे तक खड़ने खड़ने उन्हें। हाँ जी किवें रिस्पोंस लगता है तुहानूं जी आप तुहाडे पिंड की गल करिए, क्योंकि जे आप गल करते हैं भी बिल्कुल शहर के नज़दीक तुहाडा पिंड है? बहुत वधिया रिस्पोंस मिल रही सानू, ठीक है किसी चीज़ की कमी नहीं है, पहला जदों असीं इह स्टार्ट कीता सी असीं सिर्फ 4 मैंबर सी ते हुण असीं घट्टो घट 40-50 मैंबर हो गए ने, तो कॉन्टीन्यू कोई आ गया कोई चले गया।
देख लो ये दृश्य ने चंडीगढ़ के इस चौंक के जिथे शांतमई रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी दूर तक ये दृश्य ने बजुर्ग अपना फर्ज निभाते हैं, नौजवान अपना फर्ज निभाते हैं। तुसी देख सकते हो भी चारे पासे तो जड़े ने ये नौजवान इत्थे खड़ के अपना फर्ज निभा रहे हैं। होर वीर भी साढ़े नाल ने वीरे, किवें जिहड़ा रिस्पोंस लगता तुहानू इत्थे खड़ के जिहड़ा तुसी रोस प्रदर्शन कर रहे हो, तुहानू लगता भी इस चीज़ का कोई इफेक्ट पैंदा है, कोई फायदा है? बहुत ज़्यादा पैंदा जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, जिहड़े कि डटे खड़े हो। हाँ जी बिल्कुल जी जी। समा भीर जी चाहे काफ़ी ज़्यादा हो गया पर जिहड़ा अजे भी ये संघर्ष हैगा वो जारी हैगा। जे आप गल करिए भी किसान के चेहरे के उपर अजे तक भी निराशता नहीं हैगी, चढ़ती कला विच निराशता बिल्कुल नहीं है सर। सगो सानू चौंक पर खड़ने करके इतों सारे गड्डियां रिस्पोंस पूरा दे रहे हैं, इतों भी पता लगता भी हाँ लोग साढ़े नाल हैंगे जी जी। बहुत सारे नौजवान असं भी देख रहे, असं भी हाथ खड़े करके जा रहे हैं, रोक के तुम हैलो करके जा रहे हैं, तो इशारे कर रहे हैं भी गुड लगे रहे। आप ऐ करके जाते हैं, असं ना भी करिए आप मतलब सानू इशारा करके जाते हैं, चढ़ती सानू होर मतलब साढ़ा मनोबल उच्चा होंगे है। असी होर देख सकते हैं वो वीर जी दसो जे दो निशान फड़ी खड़े ने वो तो नाल दे नहीं लगते, वो कोई शहरी वर्ग के वीर लगते पिंड ही है जी वह जी जी। साढ़े पिंड सरपंच साहब रहे जी जी जी, सरपंच भी जाने के आ गए। हाँ बस वो आते हैं, मतलब पिछले हाल 10 मिनट लग जाते रोज़ जी जी जी। बहुत वधिया, देखो बई राजनीति दे आने वाले जिहड़े सरपंच ने वह भी जिहड़े उन्होंने भी अपना फर्ज निभाना शुरू कर दिता। बड़े दूर तक ये दृश्य ने तुसी लगातार ये तस्वीरां देख रहे हो मेन चौंक दियां चंडीगढ़ जिथे अपने फर्ज निभाए जा रहे हैं, कोई शिकत कोई निराशता पल्ले नहीं है। बापू जी किवें रिस्पोंस है इत्थे दा? हाँ तां जी बहुत वधिया, साडा तां जिहड़े पिंड के बंदे ने बहुत उह कर रहे जी, मदद बहुत कर रहे हैं। पिंड वाले की कहिंदे ने? कई विरोधी भी हुंदे ने, उह कहिंदे ने भी हाँ चंगी गल है किसानी मुद्दे ते असीं इकट्ठे हाँ। पांच सत्त घर हुंदे जी विरोधी, इह ते कोई गल नहीं ना होवे, हाँ सीधी गल है। पर फिर भी डटे खड़े हो? हाँ पूरे डटे खड़े हैं जी। देख लो चढ़ती कला है कहिंदे, बिल्कुल तस्वीरां तुहानू एक बार फिर दिखा दिंदे भी लखां ही गड्डियां जिहड़ियां सारा दिन इत्थे विधी दी लंघदियां ने, बसां लंघदियां ने, बसां दे विच लोक ने जिहड़े उह हथ खड़ा करके जांदे ने, ते तुसीं इह दृश्य देख सकदे हो। जे आपां गल करिए पंजाब दे कोने कोने दे उपर जिहड़े वहीकल इत्थे आउंदे ने ते इत्थों जांदे ने, डटे हुए ने किसान कहिंदे चढ़ती कला दे विच 22 जुलाई नूं भी अपना फर्ज निभावांगे, चाहे 200 करके जाणा है पर फिर भी डटे हुए हैं। तुसीं देख रहे हो सुरखाव टीवी, मैं अमरप्रीत सिंह गुजरवाल।